यदि सभी नहीं तो अधिकांश शिकारी सभ्य शिकारी हैं। मेरा मतलब है कि वे जीवन यापन के लिए यही करते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा होना चाहिए। हालांकि निश्चित रूप से शिकारियों के पास बाकियों से बढ़त होती है। यदि आप देखना चाहते हैं कि शिकारी अपनी शिकार क्षमता को दूसरे स्तर पर ले जाते हैं, तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ फॉकलैंड द्वीप समूह के तट पर ओर्का का अशांत पानी मीलों दूर से पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों को आकर्षित करने के लिए समृद्ध बड़ा मैदान बनाता है। और यहीं पर एक उल्लेखनीय मदर ओर्का ने दक्षिण अटलांटिक महासागर के शहरी प्रवाह के साथ शिकार करना सीखा है। वह हर वसंत में अपने परिवार के साथ यहां लौटती है। नवजात शिशुओं के लिए भोजन के अत्यंत आवश्यक स्रोत के साथ उनके आगमन का समय रहता है। युवा सील तट पर ओर्का की पहुंच से बाहर हैं और अपनी माँ की ऊर्जा से भरपूर दूध से प्रतिदिन अविश्वसनीय रूप से 6 किलो वजन बढ़ा रहे हैं। लेकिन देर सवेर उन्हें हफ्तों बाद पानी में प्रवेश करना ही होता है। उपवास के दौरान माताएं अपने बच्चों को दोबारा कभी न देख पाने के लिए दूध पिलाने के लिए समुद्र की ओर रुख करती हैं। अपने लिए एक फिन छोड़ देती है। युवा सील को यहाँ तैरना सीखना चाहिए। वे ऐसा एक उथले जवारीय पुल की सुरक्षा में करती हैं, जो एक चट्टानी बाधा द्वारा शिकारियों से सुरक्षित होता है। ऐसा भी लगता हाय बढ़ते ज्वार ने उनकी नर्सरी को तोड़ दिया, जिससे पूल में एक संकीर्ण प्रवेश द्वार बन गया और बुद्धिमान ओर्का के लिए एक अवसर बन गया। ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया में सील का शिकार करने वाली अपनी तरह की पहली ओर्का है, जो ज्वार की सवारी करते हुए सावधानी से अपने युवा ओर्का के प्रवेश करती है। गलत कदम और वे उन दोनों को फंसाने का जोखिम उठाती है, क्योंकि उन्हें सिखाने के लिए कोई नहीं है। सील के बच्चों को वह इस खतरे से अनजान है कि वे यह बहुत करीब है, लेकिन सील इतनी उथली है कि उन तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि ज्वार शुरू हो गया है। मदर ओर्का का समय इस बात से बेखबर होकर खत्म हो रहा है। एक सील के नीचे हेल्प तैर कर पहुँच जाती है और वह युवा सील पर हमला करती है और ओर्का खतरनाक रूप से उथले पानी में ले जाकर लड़ाई करती है, चट्टान से संघर्ष करती है। वह अपना खाना वापस अपने परिवार के पास ले जाती है और गहरे पानी की सुरक्षा में पहली ओर्का आती है। दुनिया इस उच्च जोखिम वाली भोजन रणनीति में महारत हासिल करने के लिए इस महत्वपूर्ण ज्ञान अपने बच्चों को दे रही है, ताकि वे महासागरों के उतार चढ़ाव की सवारी कर सकें। ये ओर्का भेल स्पूबड़ वाले बछड़े का शिकार करती हैं और मेक्सिको में बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के तट पर इसकी जीभ का उपभोग करती हैं। किलर भेल का एक हिस्सा काफी बड़ा होता है। किलर भेल भोजन की तलाश में समुद्र तट पर आ गई हैं और समुद्री सील उनका पहला लक्ष्य होते हैं। अगर समुद्री सील समुद्र तट से दूर रहते तो वे सुरक्षित रहते, लेकिन भूखी भेल अत्यधिक साहस कर रही हैं। उजागर डरावनी चीजें अभी के लिए अभयारण्य की पेशकश कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही बढ़ती ज्वार चट्टानों को कवर करती है, सील को पानी में प्रवेश करना होता है और कास को सतह के नीचे ये पता चल जाता है। सभी मौखिक संचार बंद हो जाएंगे और ओर्का पॉन्ड शिकार मोड में बदल जाएगा। खुले पानी में एक सील अब अपने जीवन के लिए खतरे में है। यदि वे समुद्री घास के जंगल में छिप सकते हैं, तो वे वाइकिंग रेडर्स की तरह पहचान से बच सकते हैं। ओर्का निर्दयी, सुव्यवस्थित और भयंकर रूप से बुद्धिमान है। पॉन्ड के दो सदस्यों ने बाहर निकलने के लिए पूंछ के थप्पड़ का इस्तेमाल किया। सील को छुपाते हुए एक और जोड़ी चुपचाप पीछे चल रही है। वे एक लक्ष्य का हवाला देते हैं और भागने के रास्ते को काटने के लिए अलग हो जाते हैं। सील खुले पानी के लिए सीधे पॉड के बाकी हिस्सों की ओर भागती है। सील को सतह पर आना चाहिए और चक्कर लगाने वाले ओर्का तैयार हैं और इंतजार। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।